नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दानवील निवासी सेवानिवृत्त अपर अभियंता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि खुद को पत्रकार बताने वाले पति पत्नी उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रंगदारी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2019 में दोनों ने कई मुद्दों पर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था और तब से ब्लैकमेल कर उनसे रंगदारी वसूलने लगे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है और अब आरोपियों ने उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की है और अब शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज ही डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में टैक्सी चालकों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्यवाही पर भी रोष जताया। कहा कि नैनीताल में लोकल वाहनों को तरजीह नहीं दी जा रही है जबकि बाहर की टैक्सियां धड़ल्ले से अंदर चली जाती हैं। इधर नव निर्वाचित अधिकारियों ने कहा कि वे संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे और टैक्सी चालकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूल रूप से रामपुर और वर्तमान में उत्तर उजाला रोड निवासी मोहम्मद इकबाल ने पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना है कि बदमाशों ने उनसे और उनके दोस्त को इंडियन करेंसी को रियाल में बदलने के लिए बुलाकर 3,20,000 रुपए लूट लिए हैं। कहा कि सरफराज ने उन्हें इंडियन करेंसी को बदलने को कहा, वहीं दोनों जब रुपए की व्यवस्था कर मंडी पहुंचे तो 3 बदमाश अज्ञातों ने उनसे रुपए से भरा बैग ले लिया और अपने बैग में रियाल बताकर फरार हो गए। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो अंदर रद्दी कागज और साबुन रखे हुए मिले। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज हल्द्वानी में आसपास के क्षेत्र के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा भविष्य के विकल्पों को लेकर करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का आयोजन दिवलचौर स्थित एक होटल में किया गया। इस मौके पर खुद ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कमन घनशाला की मौजूदगी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में न केवल विद्यार्थियों ने बल्कि उनके अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर कमन घनशाला ने न केवल मौजूदा लोगों को अपने सफर के बारे में बताया। पुलिस ने देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात टीम दमुआ डूंगा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान आरोपी श्याम आर्या निवासी बेड़ी खत्ता को तलाशी ली। आरोपी से 54 पौवे बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।